हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ आप सबको एक न्यू बुक मिली होगी अपने सोशल साइंस के बुक सेट के साथ, एंड दैट बुक इज नेम्ड एज इकोनॉमिक्स। यस, एंड मोस्टली पीपल रीड इकोनॉमिक्स फ्रॉम क्लास 9th और मे बी टिल 12th, एंड दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इफ आई टेल यू इन सिंपल टर्म्स, इकोनॉमिक्स इज नथिंग but a study of the economy or the part of society that creates wealth. I hope this is clear from the definition. अगर नहीं समझ आया तो let me tell you, economics कुछ नहीं है, वो society की एक study, economy की एक study है या एक society की study है जहाँ पर पैसों का exchange होता है, राइट, मनी एक्सचेंज होती है जहाँ पे पैसों का एक्सचेंज होता है। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सोसाइटी है या फिर एक ऐसी जगह बोले जहाँ पर एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में मनी का। एक्सचेंज क्यों होगा? एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज के लिए होगा। अगर हम किसी से गुड्स लेंगे, अगर हम शॉप पर जाते हैं, सपोज वी बाय मैगी, हम लोगों का सबसे स्टेपल फूड है मैगी, तो जस्ट लाइक वीट और राइस हमारा, हम लोगों का स्टेपल फूड मैगी है। हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं, हम सर्विसेज लेते हैं जियो से। आजकल जियो इज़ एट द टॉप एज पर माय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो जियो की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो भी, उसमें भी मनी एक्सचेंज होगी। वी आर पेइंग फॉर द इंटरनेट सर्विसेज, वी आर पेइंग फॉर द वाईफाई, वी आर पेइंग फॉर द डोंगल सर्विसेज, ऑल दीज काइंड ऑफ, ऑब्वियसली दे कम इन इंटरनेट सर्विसेज, बट देन वी आर अवेलिंग, राइट। सो ये सारी हमारी वेल्थ क्रिएट करती है। इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो हम बात यूजुअली हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आते हैं बिजनेसमैन, राइट, हु क्रिएट्स वेल्थ, जो एक्सचेंज में होता है। इंडस्ट्रीज आर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी हमारे माइंड में आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच वी विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स, राइट। सो एक्सचेंज सर्कुलेशन होता है मनी का, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब हमने बहुत पढ़ लिया इकोनॉमिक्स के बारे में, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, एंड यू विल बी एबल टू टेल यू नो योर जूनियर्स, अपने भाई बहन को बता पाओगे कि हाँ एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। सो जब वो पूछेंगे, मे बी दे एनीबडी कैन आस्क यू, राइट। सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन आवर बुक। हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो विलेज पालमपुर की स्टोरी के बारे में है। विलेज हम सबको पता है, इट इज़ गांव, बेसिकली हिंदी फिल कॉल इट गांव है, एक विलेज है जो एक इमेजिनरी विलेज है, राइट। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल, राइट। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी आर सिनोनिम्स। तो ये रियल वर्ल्ड का कोई विलेज नहीं है, ये एक इमेजिनरी विलेज है जिसकी हेल्प से हम सारी एक्टिविटीज़ को समझेंगे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझेंगे सोसाइटी में जो होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं जो भी, आई विल टेल यू इन द ब्रीफ, ओके। ये सारा जो है, इट इज़ वेरी इजी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ्स ऑन पेज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, एंड लेट मी टेल यू द की पॉइंट्स इन ब्रीफ। फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी। पालमपुर जो रूरल एरिया है, यूजुअली व्हाट कम्स इन आवर माइंड, पावर कट्स, राइट, नो सप्लाई ऑफ वाटर, वेरी अंडर डेवलप्ड। बट दिस विलेज इज एन एक्सेप्शन, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, रूरल एरियाज आर नॉट दैट वेल मेंटेन्ड। बट इन पालमपुर विलेज दे हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वेल डेवलप्ड स्कूल्स, proper establishment of schools, they have tube wells, if you don't know, let me tell you, they are high quality, highly developed method of irrigation. There is this pipe which I have drawn, yahan se pani gets spread to all the crops. Health centers hai aur well connected roads hai, roads properly connected hai. Hame usually we लाइक वॉट कम्स इन आर माइंड इज कच्चा रोड्स होंगी, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट विलेज, वहाँ पे कच्चा रोड्स होंगी, वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी, प्रॉपर मार्केट्स नहीं होगी। बट कनेक्टिविटी के साथ साथ ये जो
पालमपुर विलेज है वो मेजर मार्केट्स लाइक शाहपुर एंड रायगंज से कनेक्टेड है, वेयर द कमर्शलाइजेशन ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस, वेयर दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, द पालमपुर पीपल सेल द प्रोडक्ट्स विच दे प्रोड्यूस इन देयर विलेज। तो वेल कनेक्टेड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्यूबवेल्स भी है, स्कूल्स भी हैं। दिस विलेज इज़ इमेजिनरी, पक्का इमेजिनरी विलेज ही हो सकता है, ये रियल में तो नहीं होगा इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया। तो जो पालमपुर विलेज है उसमें सारी चीज़ें हैं जस्ट लाइक एनी अर्बन एरिया, अर्बन में सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो पालमपुर विलेज में भी जितनी भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वहाँ पर, यूजुअली विलेज में हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स आर द मेजर थिंग्स, तो वो सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। सो जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हम दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ करते हैं यूजुअली, वन इज़ फार्म एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इफ़ विल टॉक अबाउट अ विलेज लार्जली वी कैन सी लॉट्स ऑफ फार्मिंग एंड नॉर्मिंग एक्टिविटीज़। इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कम क्रॉपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, राइट। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स वॉट, एनिमल रेयरिंग, एनिमल्स को रेयर करना है फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है, आप उनका देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, उनका टेक केयर करना, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एंड नॉन फार्म में क्या होता है, दुकानें होती है, शॉप्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इफ़ somebody इज़ प्रोवाइडिंग यू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दैट इफ कंसिस्ट ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज। सिमिलरली फैक्ट्रीज, नॉट लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, पालमपुर में स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज आर सेटअप। तो यहाँ पर तो हमारी बात हुई द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड, हम कोई भी गुड बनाते हैं फैक्ट्री में जाकर या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है लैंड। ऑब्वियसली लैंड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, हम कुछ भी सेटअप करेंगे, हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे, हम फार्मिंग कर रहे हैं मे बी, या फिर हम कहीं पे भी बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर हम कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने के साथ साथ अगर हम कहीं पे शॉप लगा रहे हैं, तो वी नीड लैंड। सेकेंड वन इज़ लेबर। आई थिंक यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अगर कोई भी शॉप चल रही है या फैक्ट्री चल रही है, दे नीड लेबर, दे नीड बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड काइंड ऑफ लेबर। सपोज इफ आई टॉकिंग अबाउट IT सेक्टर, दे नीड स्किल्ड पीपल इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर, बट दे ऑल्सो नीड अनस्किल्ड पीपल, राइट। दे नीड स्टाफ मेंबर, द पियंस, द मेड्स एंड एवरीथिंग आर द अनस्किल्ड पीपल, दे डू द मैनुअल वर्क, ओके। नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो होती है, फर्स्ट कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इज समथिंग विच वी कैन सी फील एंड टच। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर जो है और मेरे जो व्हाइट बोर्ड में यूज़ कर रही हूँ, दिस आई कैन सी, दिस आई कैन फील ऑल्सो एंड आई कैन टच ऑल्सो, बट नॉट द एयर एंड मे बी द लाइट। आई कैन सी इट बट आई कैन नॉट टच इट। सो दीज आर फिजिकल थिंग्स विच आई कैन फील सी एंड टच। इसमें भी दो डिविजन है, फर्स्ट इज वर्किंग कैपिटल एंड द सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली इस चैप्टर में ये करके जरूर जाना, ठीक है। सो जो फिजिकल कैपिटल है उसमें टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स आ जाती हैं, और फिजिकल कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड टू फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, राइट, रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट अप फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज ह्यूमन कैपिटल, राइट। लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज व्हाट, इट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से क्या मतलब, ह्यूमन कैपिटल से मेरा मतलब है नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो, आईफोन क्रिएट हुआ है, राइट, आईफोन में कुछ तो क्रिएटिविटी लगी है, डेफिनेटली लगी है, आईफोन में पूरी क्रिएटिविटी गई है, पूरी रिसर्च गई है, राइट, एंड किसको कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सा लेंस लगेगा, कौन सी चिप लगेगी, सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल, राइट। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब फैक्टर से समझाती हूँ मैं, फोर का फैक्टर क्या होता है, टू इंटू टू
तो 2 × 2 जो है वो इनपुट है, 4 है वो आउटपुट। वैसे ही लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये इनपुट्स हैं और हमारे पास एक आउटपुट आता है जो प्रोडक्ट बन के आता है। सो दीज आर हेंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने मैथ से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, आई जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। नाउ वॉट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन, राइट? फॉर प्रोडक्शन वी यूज देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे रिमेन देयर नो मैटर हाउ मेनी रॉ मटीरियल वी कीप ऑन चेंजिंग, हाउ मेनी लेबर्स कम एंड गो, द बिल्डिंग्स एंड मशीन स्टे देयर। इट इज नॉट लाइक वी कीप ऑन चेंजिंग द मशीनरी और द बिल्डिंग एवरी टाइम वी प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो वो फिक्स्ड है, वो एक ही जगह पे रहता है और उसको हम चेंज नहीं करते रहते। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग से हमें समझ आ रहा है जो वर्क के काम आता है, रॉ मटेरियल और मनी। मनी जो है ये प्रोडक्शन में यूज करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती है, एक ही जगह पे रहती है। वर्किंग कैपिटल जो है वो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। मनी जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये सारा प्रोडक्शन में काम आता है, ये हमारा चेंज होता रहता है, राइट? रॉ मटेरियल खत्म होता रहता है, सो वी नीड टू बाय अ न्यू बैच, राइट? अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ मार्कर के, राइट? फॉर मार्कर हम एक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली एक बिग मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री है मार्कर की, सो दे नीड लैंड, राइट? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट अभी हम लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, अभी हम वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल को समझेंगे। सो दे नीड लैंड, दे नीड बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, इट वोंट चेंज, राइट? हम चेंज नहीं करेंगे। अगर मार्कर हमारा फर्स्ट बैच खत्म हो गया, वी नीड टू प्रोड्यूस अनदर बैच, तो बिल्डिंग चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन फिक्स्ड। 100 साल पता नहीं कब तक की बिल्डिंग्स फिक्स रहती है। बट अगर जो प्लास्टिक है, जो मार्कर का रॉ मटीरियल है, राइट, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, हमें वो बार बार रिन्यू करना पड़ेगा। सो बिल्डिंग इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल, वेयर एज प्लास्टिक इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल विच इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। मतलब हमें काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, मार्कर की प्रोडक्शन करने के लिए ये कॉन्स्टेंटली बार बार इसका मटीरियल चाहिए होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन।